भारत के तटीय मैदान, इसमें सबसे पहले देखते हैं काठियावाड़ा तटीय मैदान। यह गुजरात में कच्छ से दक्षिण में दमन तक विस्तारित है। इसमें बड़े बड़े नगर एवं बंदरगाह हैं, जैसे सूरत, भावनगर, पोरबंदर, जामनगर आदि। इस तटीय मैदान में नमक का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। अगला है कोंकण तटीय मैदान। यह उत्तर में दमन तथा दक्षिण में गोवा के मध्य तक फैला हुआ है। इस मैदान में वर्षा अधिक होती है। यह काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ आम एवं चावल की कृषि अधिक होती है। अगला है मालाबार तट। उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तारित है। अधिक वर्षा तथा सामान्य तापमान होने से सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, नारियल तथा चावल अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। यहाँ अष्टमुड़ी एवं वेम्बनाड झीलें स्थित हैं। अगला है उत्कल तटीय मैदान। गंगा के डेल्टाई मैदान से लेकर महानदी के डेल्टा तक लगभग 400 किलोमीटर तक फैला है। जलोढ़ मिट्टी से बने होने के कारण यहाँ चावल अधिक उत्पादन होता है। प्रसिद्ध चिल्का झील इसी मैदान में स्थित है। अगला है आंध्र तटीय मैदान। उत्कल के मैदान के दक्षिणी सीमा से पुलिकट झील तक विस्तारित है। कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा इसी मैदान में स्थित है तथा यह चावल हेतु प्रसिद्ध है। कोलेरू झील इसी मैदानी भाग में स्थित है। अगला है कोरोमंडल तटीय मैदान। चेन्नई के उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 675 किलोमीटर तक विस्तारित है। इसमें कावेरी का डेल्टा भी स्थित है। इसे दक्षिण का गौरव भी कहा जाता है। यह चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बड़े नगर जैसे एन्नूर, चेन्नई तथा तूतीकोरिन आदि बसे हैं। चेन्नई का मरीन पुलिन तथा श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा सागर से पृथक पुलिकट झील इस भाग की अन्य विशेषताएं हैं।